आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों कि नौकरी को मेडिकल के अंदर कैसे चेक किया जाता है। हर एक डिफेंस के अंदर कोई भी डिफेंस की एग्जाम हो जाए दोस्तों, जब आपकी मेडिकल की बारी आती है तो यहाँ पर दोस्तों एक समस्या बहुत सारे लड़कों के साथ होती है और वो है दोस्तों नौकरी। नौकरी के ऊपर बच्चों को बहुत सारे कंफ्यूजन है और बहुत सारी वीडियोस भी इसके ऊपर लोगों ने बना रखी है कि नौकरी कैसे, हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं वीडियो के अंदर ये नहीं बताने वाला हूँ कि हम नौकरी को कैसे ठीक कर सकते हैं, जबकि मैं आज इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि नौकरी डिफेंस के अंदर, यानी कि जब आप मेडिकल के लिए जा रहे हैं तो आपकी नौकरी कैसे चेक की जाएगी। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, नीज के अंदर दो टाइप के डिफेक्ट्स होते हैं। जो सबसे पहला होता है दोस्तों वो है दोस्तों नॉक नी, यानी कि आपके दो दोनों नीज होंगे ये ऐसे आपस में टच हो रहे होंगे। ठीक है, आपके जो दोनों घुटने हैं ये आपस में दोनों टच कर रहे होंगे, यानी कि मर्ज हो रहे होंगे। जो सेकेंड दोस्तों डिफेक्ट है वो है आपका बो लेग्स, यानी कि आपके जो दोनों नीज है वो ऐसे है, लाइक सी पोजीशन जैसे हो जाती है ना, वैसे किसी किसी के नीज हो जाते हैं ऐसे टाइप में। तो इन दोनों को कैसे ठीक कर रहा है इसके ऊपर वीडियो मैंने पहले से बना रखी है। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि नॉक नी को कैसे चेक किया जाता है। तो सबसे पहले जो आपको जो मेडिकल टीम होगी वो लेके जाएगी एक रूम के अंदर और आपकी नीज कैसे चेक किए जाएंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आपके जो दोनों लेग्स हैं और जो दोनों फीट हैं, ठीक है, ये आपस में पहले ऐसे रहेंगे लाइक सावधान पोजीशन में और आपके फीट ऐसे बाहर की तरफ में। ठीक है, उसके बाद आपको खड़े हो जाना सीधा एकदम सावधान पोजीशन में। आपके जो दोनों हाथ हैं ये ऐसे नहीं रखने हैं, ये सिंपल ऐसे होंगे बिल्कुल पूरी। ठीक है, उसके बाद आपके बोलेंगे नॉक नी, आप जब टच करेंगे तो आपके नीज अपने आप ही दिख जाएंगे लाइक दिस। ये देखिए, इसमें प्रॉपर एक गैप आएगा, डॉक्टर नीचे मुड़ के अपना हाथ यहाँ पे ऐसे डालने की कोशिश करेंगे और ये अगर ये पास हो गया तो आपकी नॉक नी नहीं है। अगर मैं आपको क्लियर दिखाऊं तो ये देखिए, ये देखिए आप, ये देखिए आप क्लियरली देख पा रहे होंगे, ऐसे डॉक्टर आपको चेक करते हैं लाइक दिस। ठीक है, इसके भी दो टाइप है चेक करने के। अगर डॉक्टर को आप पे थोड़ा कुछ प्रॉब्लम लगा तो वो आपको दूसरे टाइप से भी चेक कर सकते हैं। जो पहला टाइप है उसके लिए आपको दोनों फीट ऐसे रखने हैं लाइक दिस। ठीक है, सामने की तरफ ऐसे निकले होने चाहिए फीट आपके और डॉक्टर आपको इसे चेक करेंगे। इसी के अंदर दोस्तों जो दूसरा टाइप है वो है आपके दोनों फीट, अब डॉक्टर अगर डॉक्टर को आपके ऊपर शक हो जाएगा डॉक्टर आपको दोनों फीट ऐसे टच करने की बोलेंगे लाइक दिस और उसके बाद आपको चेक करेंगे। अगर आपका कभी भी उनको डिफेक्ट लगा, ठीक है, अगर आपको उनको लगा कि आपको चीट कर रहे हैं, आपकी नौकरी है पर आप छुपा रहे हैं, तो आप डॉक्टर को क्या करेंगे, आप ऐसे अपने पैर रखेंगे, डॉक्टर आपको बोलेंगे बेंड लाइक दिस, आपको बोलेंगे ऐसे बेंड होने, ऐसे बेंड होने बोलेंगे। तो जैसे आप बेंड होंगे आपके जो दोनों नीज होंगे आपस में टच होने होंगे, जब आप छुपा रहे होंगे तो दोनों नीज ऐसे टच हो जाएंगे, जैसे आप बेंड होंगे आपके शरीर टच हो जाएंगे। लेकिन देखिए मेरा एकदम क्लियर है, ये देखिए एकदम क्लियर है, मेरी कोई नीज नौकनी नहीं है। लेकिन जब आपको डॉक्टर बेंड करने बोलेंगे तो अगर जो बच्चा छुपा रहा होगा तो उसकी नीज आपस में ऐसे टच हो जाएंगे। सो मेक श्योर आप ऐसी गलती नहीं कीजिए, आप मेडिकल से पहले ही इस समस्या को ठीक करके जाइए। दोस्तों और एक तरीका है चेक करने का नॉक नीज को, अगर डॉक्टर को आपके ऊपर थोड़ा भी शक हो जाएगा तो ये सब होता है, नहीं तो अगर नॉक नी जो सिंपली जो चेक की जाती है उसमें क्लियर आपको सावधान पोजीशन में खड़ा किया जाता है और आपके दोनों फीट को डॉक्टर बोलेंगे आपको ऐसे रखनी है फीट। ठीक है, आपके दोनों फीट ऐसे सामने की तरफ रहेंगे, ऐसे आपको कंबाइन नहीं करने हैं, आपके फीट ऐसे रहेंगे। ठीक है, और उसके बाद डॉक्टर उसको नॉक नी चेक करता है। अगर डॉक्टर को कोई डिफेक्ट लगा, कोई शक हो गया डॉक्टर को, तो वो चेक करेंगे तो आपको बोलेंगे फीट कंपाइन, मतलब आपको कंबाइन करने, फिर आपको बोलेंगे थोड़ा बेंड हो नीचे, बिकॉज जैसे आप बेंड होंगे अगर आपको छुपा रहे होंगे तो आपके नीज टच हो जाएंगे। इसके अलावा और भी बहुत तरीके हैं, जैसे कि आपको बोल दिया जाएगा लेट जाओ, लेट के आपको दोनों पैर को पहले ऐसे रखने हैं। ठीक है, बिकॉज लेट के आप ज्यादा छुपा नहीं सकते। ठीक है, आपको डराने की कोशिश करेंगे डॉक्टर वहां पर, थोड़ा आपको माइंड के माइंड गेम्स खेलेंगे ताकि आप जो आप प्लानिंग स्ट्रेटेजी बना के आए हो वो फेल हो जाए। ठीक है, बिकॉज वहां पे बच्चे पहले से डरे होते हैं, बिकॉज फर्स्ट टाइम उनका एक्सपीरियंस होता है, सो बच्चों को पता नहीं होता है कि रिएक्ट कैसे करना है। लेकिन कोई अगर बच्चे उसमें स्मार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई स्मार्टनेस दिखा रहे हैं, तो डॉक्टर भी उनके ज्यादा स्मार्ट होते हैं। सो मेक श्योर आप, अगर आपकी कोई ऐसी डिफेक्ट है तो आप स्मार्टनेस छोड़ के आप हार्डवर्क पे आइए। वीडियोस बहुत सारी अपलोडेड है चैनल्स के ऊपर मेरे भी, तो आप उस वीडियोस को देखिए, आपकी नौकरी ठीक हो जाएगी। सो आपको कोई स्मार्टनेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना, साथ ही साथ अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि फ्यूचर में मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो वो मेरे भाइयों तक वीडियो सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, अगर आपके मन में अभी कोई सजेशन है जिसपे आप वीडियो बनाना
चाहते हो कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं, सो मेक श्योर आप अपने सजेशन को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर भी कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम की आईडी यहाँ पे डिस्प्ले हो रही होगी और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो मेक श्योर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कोई ऐसी नई वीडियो के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, एंड इन द लास्ट, इफ यू हैव डिटर्मिनेशन टू वर्क हार्ड, trust me, nobody can stop you.